फेमस ड्रैगन बॉल कॉमिक्स और एनिमे के रिनाउंड मैंगा क्रिएटर अकीरा तोरियामा का 68 साल की उम्र में निधन हो गया है, जैसा कि उनकी प्रोडक्शन टीम ने शुक्रवार को अनाउंसमेंट की। ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर शेयर किए गए एक स्टेटमेंट के हिसाब से तोरियामा ने द 1st of March को एक अक्यूट सबड्यूरल हेमाटोमा के कारण दम तोड़ दिया। नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए तोरियामा के बर्ड स्टूडियो ने अफसोस दिखाया और बताया कि प्रोलिफिक क्रिएटर के साथ कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे जिनमें वह पूरी लगन से लगे हुए थे। इसके अलावा ये स्टेटमेंट तोरियामा के मांगा और आर्ट की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान का सम्मान करता है, जो अपने पीछे कई अच्छे कामों की लेगेसी को छोड़ गए। बेस्ट सेलिंग और मोस्ट इंपैक्टफुल मैंगा सीरीज में से एक के रूप में पहचानी जाने वाली ड्रैगन बॉल पहली बार 1984 में शुरू हुई और तब से कई एनिमी एडेप्टेशंस, फिल्म्स और वीडियो गेम्स में फैल गई। जो लोग नहीं जानते, इसकी कहानी एक यंग प्रोटैगोनिस्ट सोन गोकू की स्टोरी को दिखाती है, जो अपनी एबिलिटीज को बढ़ाने और कई सारे दुश्मनों के खिलाफ पृथ्वी की रक्षा करने के लिए मैजिकल ड्रैगन बॉल्स को यूज करता है। तोरियामा के निधन की खबर से पब्लिशिंग इंडस्ट्री और साथ ही मांगा क्रिएटर्स में गहरा शोक फैल गया है। पब्लिशिंग हाउस श्वीशा ने अचानक हुए नुकसान पर गहरा दुख जताया है, जबकि पॉपुलर वन पीस फ्रेंचाइज के क्रिएटर आइचिरो ओडा ने तोरियामा की अनएक्सपेक्टेड डेथ पर शोक व्यक्त किया और उनके जाने से इस इंडस्ट्री में खालीपन महसूस होगा। सबड्यूरल हेमाटोमा, जिस मेडिकल कंडीशन को तोरियामा के निधन का कारण बताया गया है, इसमें ब्रेन के सरफेस और स्कल के बीच खून एक जगह रुक गया था, जो उनकी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को उजागर करता है। उनके निधन के बावजूद तोरियामा की ये विरासत और उनके इमेजिनेटिव क्रिएशंस आने वाली पीढ़ियों की ऑडियंसेस को खुश करने के लिए तैयार है। 1955 में जापान के नगोया में जन्मे तोरियामा ने ड्राइंग के अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए आगे की पढ़ाई को छोड़ने का फैसला किया और कम उम्र में अपनी आर्टिस्टिक जर्नी शुरू की। शुरुआत में पोस्टर डिजाइन करने वाली एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते हुए तोरियामा के टैलेंट ने जल्द ही मांगा के कम्पेटिटिव वर्ल्ड में अपनी जगह बना ली। द गार्डियन की रिपोर्ट के हिसाब से 23 साल की उम्र में तोरियामा ने एक वीकली मांगा मैगजीन के कॉन्टेस्ट में अपना काम दिखाकर मांगा इंडस्ट्री में एंटर होने का पहला अटेम्प्ट किया, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने एफर्ट्स को वीकली शोनन जंप की ओर लगाया, एक पब्लिकेशन जो बाद में उनके करियर में इंपॉर्टेंट बन गया। 1978 में तोरियामा को उनके डिटर्मिनेशन का फल तब मिला जब वीकली शोनन जंप यानी उनका पहला काम वंडर आइलैंड पब्लिश हुआ। हालांकि यह पहली फिल्म और इसका सीक्वल पढ़ने वालों को पसंद नहीं आया, फिर भी तोरियामा अपनी आर्ट के लिए कमिटेड रहे। 1980 में उन्होंने डॉक्टर स्लम्प के क्रिएशन के साथ अपनी सफलता हासिल की, जो एक कॉमेडिक सीरीज थी जिसमें एक रोबोट गर्ल अपने जिंदगी के चैलेंजेस का सामना करती हुई दिखाई गई थी। डॉक्टर स्लम्प की सफलता ने तोरियामा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, जिससे उन्हें शोगाकुकन मांगा अवार्ड जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिले। इसके साथ सीरीज ने एक एनिमे एडेप्टेशन को जन्म दिया, जो तोरियामा के करियर में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन साबित हुआ। अपने प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के बीच तोरियामा ने 1982 में साथी मांगा आर्टिस्ट योशिमी काटो से शादी की और पर्सनल लाइफ को मेंटेन रखा। हालांकि यह तोरियामा की 1984 में ड्रैगन बॉल की क्रिएशन थी, जिसने मांगा इंडस्ट्री में एक इंटरनेशनल आइकन के रूप में उनकी जगह को मजबूत किया। चाइनीज और हांगकांग एक्शन फिल्म्स के साथ साथ जापानीज लोक कथाओं से इंस्पायर होकर ड्रैगन बॉल ने रहस्यमयी बॉल्स की खोज में सोन गोकू की एडवेंचरस टेल से ऑडियंसेस को खुश किया। ड्रैगन बॉल की इमेंस पॉपुलैरिटी ने लिमिट्स को पार कर लिया, जिससे कॉमिक बुक सीरीज, टेलीविजन शोज, फिल्म्स और वीडियो गेम्स के साथ कई एडेप्टेशंस का जन्म हुआ। 1995 में ओरिजिनल सीरीज के कंक्लूजन के बाद भी तोरियामा फ्रेंचाइज में शामिल रहे और इसकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट किया। मांगा की दुनिया से परे तोरियामा की क्रिएटिविटी बाकी इंडस्ट्रीज तक फैली हुई है, जिसमें 2005 में जापान की सीक्यू मोटर्स द्वारा रिलीज्ड एक इलेक्ट्रिक कार का डिजाइन भी शामिल है। जैसा कि हम अकीरा तोरियामा को विदाई दे रहे हैं, आइए हम उस खुशी को याद करें जो वह हमारे जीवन में लेकर आए थे। उनकी कहानियों ने हमारी इमेजिनेशंस को बढ़ा दिया, उनके कैरेक्टर्स हमारे दोस्त बन गए और उनकी विरासत अनंत काल तक कायम रहेगी। रेस्ट इन पीस तोरियामा सेंसे, आपकी विरासत इटर्नल ड्रैगन की तरह चमकती रहेगी, जिससे हमें अपने खुद के एपिक एडवेंचर्स को शुरू करने का जोश मिलेगा।